नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग मैथ प्रैक्टिस सेशन में पार्ट नंबर 4 करेंगे। इससे पहले हम 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आप डायरेक्ट जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आप ये क्वेश्चन देख रहे होंगे, साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट का। एक क्वेश्चन आप साधारण मेथड, जो कि ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना टाइम बटे 100 करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला पर बेस्ड है, लेकिन एग्जाम में हम ऐसे नहीं करेंगे। बस आप क्वेश्चन करने का तरीका को देखो। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस साधारण ब्याज के क्वेश्चन को। आपका निवेश दिया हुआ है, यानी आपका मूलधन दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 1475, 5 वर्ष का टाइम दिया हुआ है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, 4% वार्षिक दर दिया हुआ है, यानी रेट आपका 4% का दिया हुआ है। तो उससे प्राप्त होने वाला ब्याज निकालना है कि साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। आप यहाँ पे देखो, 1 साल का रेट कितना दिया हुआ है, 4% दिया हुआ है। तो हम 5 साल के लिए निकाल लें तो 4×5 20% हो जाएगा। 20% को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, तो 20% को फ्रैक्शन में हम 1/5 लिख देंगे। ठीक है, 5 क्या है और 1 क्या है, तो जो 5 है ना, ये आपका मूलधन है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये 5 को आप मूलधन मानिएगा, यानी आप प्रिंसिपल मानिएगा, और जो आपका 1 है ना, 1 आपका ब्याज है, यानी आपका इंटरेस्ट आ रहा है। समझ गए हम क्या करेंगे? टोटल मिला के प्रतिशत जो दिया रहेगा, दर दिया रहेगा, दर को टाइम से मल्टीप्लाई कीजिए, 20% मिलेगा 5×4 करने पे। इस 20% को क्या करना है, फ्रैक्शन में तोड़ दीजिए, 1/5 लिख दीजिए। जो नीचे वाला आएगा अंश और हर, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो नीचे वाला आएगा डिनोमिनेटर, वो आपका मूलधन का होगा, जो न्यूमरेटर आएगा अंश आएगा वो आपका ब्याज को दिखाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपका मूलधन क्या दिया हुआ है, 1475 दिया हुआ है, यानी 5 रेशियो का वैल्यू। क्वेश्चन में 1475 दिया हुआ है, आपको ब्याज निकालना है, 1 रेशियो का वैल्यू निकाल देना है सिंपल। ठीक है, तो 5 का वैल्यू 1475 है, तो 1 का वैल्यू 1475/5 कर दीजिए। कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, 47, यानी 9 बार में, 29 कुछ है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, पूरा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल कीजिए। रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि रोहन उसी काम को अकेले 15 दिन में कर सकता है। रोहित अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा? 2 व्यक्ति हैं, एक रोहन है एक रोहित है, दोनों मिलकर 10 दिन में एक काम को कर सकते हैं, जबकि जो रोहित है जो रोहन है अकेले 15 दिन में कर सकता है। तो रोहित अकेले कितने दिन में करेगा वही पूछ रहा है। रोहन है प्लस रोहित, रोहन और रोहित ये दोनों भाई साहब मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में काम को कर लेते हैं। और जो आपका रोहन है वो अकेले इसी काम को 15 दिन में करता है। अब आपको क्या करना है, बस ये दोनों का जो दिया हुआ है दिन ना, इसका एलसीएम ले लीजिए। दोनों का जब एलसीएम निकालिएगा, लसा निकालिएगा, तो आपको 30 मिलेगा। जो आपको यहाँ पे 30 मिलेगा ना, यही आपका टोटल वर्क को दिखाएगा। ध्यान में रखिएगा, जो आप एलसीएम निकालिएगा यही आपका टोटल वर्क को दिखाएगा। अब बताइए यहाँ पे टोटल वर्क आपका 30 है और रोहन आपको 15 दिन में 30 काम को करता है। ध्यान से सुनिएगा, टोटल काम 30 है, रोहन आपका 15 दिन में इस 30 काम को कर लेता है, तो पर डे कितना काम करेगा, सोचिए सोचिए। 30 टोटल काम है, 15 दिन में करता है, तो रोहन पर डे 2 काम को करेगा। ठीक है, इधर आइए, रोहन और रोहित दोनों मिलकर 10 दिन में 30 काम को करते हैं, तो 1 दिन में कितने काम करेंगे रोहन और रोहित मिलके, तो 1 दिन में रोहन और रोहित मिलके 3 काम को करेंगे,
ये तीन है और दो है, क्या दिखा रहा है? ये रोहन का इफिशियंसी दिखा रहा है, रोहन का क्षमता को बता रहा है, और तीन रोहन और रोहित दोनों का क्षमता को बता रहा है। अब बताइए, रोहन का क्षमता दो है और दोनों का मिला के तीन है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि रोहित का क्षमता एक है, फिर रोहन का क्षमता या फिर इफिशियंसी अगर दो है तो रोहित का कितना हो जाएगा? रोहित का एक हो जाएगा, इसीलिए दोनों का मिला के तीन आया है। ठीक है, अब क्या पूछा है? रोहित अकेले उसी काम मतलब 30 काम को रोहित अकेले कितने दिन में करेगा? रोहित एक दिन में एक काम को करता है, ध्यान समझिएगा, रोहित जो है एक दिन में एक काम को करेगा, तो 30 वर्क को कितने दिन में करेगा? 30 दिन में करेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं और एक और फॉर्मूला याद रखिएगा, वर्क बराबर इफिशियंसी, यानी आपका जो क्षमता आया है ए वाला गुना टाइम, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ भी लगा के देख सकते हैं, जैसे देखिए ये टोटल वर्क है, वर्क को हम 30 माने हैं। ठीक है, इसमें इफिशियंसी आपका 3 था और टाइम आपका 10 था, तो 10 गुना 3 कीजिएगा तो आपको वर्क मिलेगा, यही तो है, इफिशियंसी को 3 पुट कीजिए और डे को 10 पुट कीजिए तो आपको वर्क मिल जाएगा। इधर में देख लीजिए, डे को 15 पुट कीजिए और इफिशियंसी को 2 पुट कीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, फिर से 30 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा समझ में नहीं आ रहा था, इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है? एक ही कंपनी में काम करने वाले 6 व्यक्ति हैं जिनका आयु का योग दिया 105 वर्ष दिया हुआ है, 6 लोग हैं और उनका जो उम्र का योग सभी को जोड़ दिया है कितना है? 105 वर्ष है, और उनका जो पैदा होने वाला उम्र है उनके बीच का 5 वर्ष का अंतर है, मतलब 5 वर्ष के बाद दूसरा पैदा लेता है, तो जो बड़ा व्यक्ति है उसका आयु निकालना है। 6 व्यक्ति मान लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 व्यक्ति हैं, इस जितना 6 व्यक्ति हैं सभी का आयु को जोड़ दिया गया है तो उसका कितना सम दिया हुआ है? 105 इसका सम दिया हुआ है, 105 इसका सम दिया हुआ है। अगर आपसे हम पूछे कि 6 व्यक्ति का आपको औसत बताना है, एवरेज बताना है, तो कैसे बताइएगा? इस 6 व्यक्ति है इसका औसत बता दीजिए। अगर यहाँ पे 3 व्यक्ति होते, 1, 2, 3, तो जो बीच वाला व्यक्ति आता वही आपका औसत होता। 5 व्यक्ति होते, 1, 2, 3, 4, 5, तो जो बीच वाला व्यक्ति, 6 का व्यक्ति हो गया 5 व्यक्ति, तो यही जो बीच वाला व्यक्ति है यही इसका एवरेज होता। ठीक है, तो अगर 6 व्यक्ति हैं तो 3 व्यक्ति इधर, 3 व्यक्ति इधर, यानी यहाँ पे जो व्यक्ति आएगा बीच में वही उसका एवरेज होगा, वही उसका औसत होगा। औसत बराबर होता क्या है? औसत यानी एवरेज बराबर क्या होता है? जितने टर्म है, मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी, 3 टर्म है तो आप 3 से भाग कर दो, अगर 4 टर्म होते प्लस डी भी होता है इसको आप 4 से भाग करते, यही आपका औसत है। मतलब ऊपर वाले को जोड़ दीजिए जितना भी टर्म दिया है और उसको जितने टर्म है उससे टर्म से भाग दीजिए, बस यही उसका औसत है। यहाँ पे 6 लोग थे तो 6 को जोड़िएगा, सब का एज को जोड़िएगा और उसको 6 से भाग कर दीजिएगा, तो सभी को जोड़ने के बाद जितना जितना इसका उम्र था सभी को जोड़ने के बाद 105 आपको क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ है। अगर इसको हम 6 से भाग कर देंगे तो हमको औसत मिल जाएगा। औसत निकालिए क्या होगा, इसको 3 से 2 बार में काट दीजिए, 3 से 35 बार में 305 कट जाएगा, यानी आपका 35/2 17.5 होगा, यानी जो आपका 3 टर्म इधर 3 टर्म इधर, बीच में आपका 17.5 आएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो व्यक्ति के बीच का अंतर कितना दिया है, 5 वर्ष का अंतर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर यहाँ पे बीच वाला टर्म 17.5 है तो इससे 2.5
पहले ले लीजिए और इससे ढाई बाद में ले लीजिए, ये वाला दोनों मिल जाएगा। समझ में आया ना, क्योंकि क्योंकि 5 वर्ष का डिफरेंस है, बीच वाला 17.5 आ रहा है, इससे ढाई पहले ले लीजिए तो ये आपका 15 हो जाएगा, और 17.5 से ढाई इधर ले लीजिए तो ये आपका 20 वर्ष हो जाएगा। अब देख लीजिए दोनों का बीच का डिफरेंस 5 वर्ष मिल गया, 5 वर्ष का डिफरेंस है तो 20 है तो ये 25 हो जाएगा, अगला 30 वर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, सबसे बड़ा व्यक्ति का आयु, सबसे बड़ा व्यक्ति छठा आदमी तो यही तो है सबसे बड़ा है, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। अगर सबसे छोटा पूछता तो ए हो जाता 10, ए हो जाता 5, तो सबसे छोटा आपका 5 हो जाता, 5 वर्ष, और सबसे बड़ा 30 वर्ष हो जाता। अभी सभी को जोड़िएगा ना तो आपको 105 ही मिलेगा, जोड़ करके देख लीजिए 30 25 55 55 20 75 75 और 15 90 और 15 105, ठीक है, सभी को जोड़ने के बाद 105 ही मिल रहा है। समझ में आया कि क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। अगर इस प्रोसेस आपको समझ में नहीं आया है तो फिर आपको जोड़ना ही पड़ेगा, सिंपल जोड़ते रहिए आप, औसत निकालते रहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है एग्जाम में, ठीक है। इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधे देख लो कि 6 टर्म है, बीच वाला टर्म यहाँ पे निकाल लीजिए, इसका औसत 105 को 6 से डिवाइड कीजिए, 17.5 आएगा। 17.5 का मतलब है बीच टर्म 17.5, तो ढाई टर्म पहले ढाई टर्म बाद में, यानी 15 और 20 आएगा, तो जो मैक्सिमम उम्र का होगा वो आपका 30 आ जाएगा। बस इतना ही खेल है, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको पहला नंबर तो औसत मालूम होना चाहिए कि औसत होता क्या है, जितने टर्म हैं जितने टर्म को जोड़ा गया है उतने ही टर्म से भाग करते हैं, वही आपका औसत है, एवरेज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, एक त्रिभुज है जिसका शीर्ष जिसका वर्टेक्स दिया हुआ है, 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं तो आपको क्षेत्रफल पूछा हुआ है। मान लीजिए ए आपका ट्रायंगल है, ए आपका त्रिभुज है, 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं त्रिभुज में, कितना दिया हुआ है, पहला 1 और 2 दिया हुआ है, दूसरा आपका -4 और -3 दिया हुआ है, तीसरा आपका 4 और 1 दिया हुआ है। ये है क्या, ये वर्टेक्स है यानी उसका शीर्ष है, इसको हम x1 और y1 लिख सकते हैं ना, x1 और y1 है ए वाला वर्टेक्स, जो ए वर्टेक्स होगा ए आपका x2 होगा और y2 होगा, जो आपका ए वर्टेक्स है ए आपका x3 है और y3 होगा, सभी का वैल्यू दिया हुआ है, x3 का वैल्यू 4, y3 का वैल्यू 1, x2 का वैल्यू -4, y2 का वैल्यू -3, कुछ इस तरह से पुट करना है, ठीक है। समझ में आ गया वैल्यू कैसे रखना है। अब आइए इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अलग अलग एग्जाम में कितने बार पूछता है, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। इसका एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/2, यहाँ पे x1 ले लीजिए, x1 मतलब ए बड़ा वाला, ठीक है, x1 के आगे y2 - y3 कीजिए, अभी आपको हम याद करेंगे कैसे याद करना है इसको, +x2, उसके आगे x2 के आगे y3 लिखिए, y1 लिखिए, +x3 लिखिए, उसके आगे y1 - y2 कीजिए। अब इसको याद कैसे करना है, x1 को उठाए तो उसके आगे y1 का टर्म नहीं आएगा, क्या आएगा, y2 - y3 आएगा। आगे आइए, x2 उठाए तो उसके आगे y2 का टर्म नहीं आएगा, y2 नहीं आएगा, कौन आएगा, y3 और y1 आएगा। यहाँ पे आगे आइए, x3 है तो यहाँ पे y3 नहीं आएगा, कौन सा आएगा, y1 - y2 होगा, ठीक है। समझ में आ गया कि कैसे याद करना है, x1 के आगे y2 - y3 करना है, x2 के आगे y3 - y1 करना है, x3 के आगे y1 - y2 करना है। आप कैसे भी याद कीजिए, बस आपको ये फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। अब आइए वैल्यू पुट कीजिए, 1/2, कलर चेंज कर लेते हैं हम, y1 का वैल्यू क्या है, y1 का वैल्यू 1 है तो 1 पुट कर दीजिए,
Y2 का वैल्यू क्या है, Y2 का वैल्यू माइनस का 3 है, और Y3 का वैल्यू क्या है, Y3 का वैल्यू 1 है, यानी माइनस का 3 और माइनस का 1 कितना मिलेगा, माइनस का 3 माइनस का 1 टोटल मिला के आपको माइनस का 4 मिल जाएगा। अब आगे आइए, X2 का वैल्यू कितना है, X2 का वैल्यू माइनस का 4 दिया हुआ है, माइनस का 4। उसके बाद Y3 माइनस Y1 कीजिए, Y3 क्या है 1 है, Y1 क्या है 2 है, यही ना Y1 है, तो 1 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा। अब आगे आइए, X3 कीजिए, X3 क्या है 4 है। उसके बाद Y1 माइनस Y2, Y1 क्या है 2 है, Y2 क्या है माइनस का 3 है, क्या करेंगे इसको बताइए, Y1 के जगह 2 पुट कीजिए और माइनस Y2 यानी माइनस माइनस प्लस यानी प्लस का 3 हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे किए हैं, तो 3 और 2 5 हो जाएगा, इसको बंद कर दीजिए। अब बस डायरेक्ट गुना कीजिए, 1/2 ये आपका माइनस का 4 हो जाएगा, ये आपका माइनस का 4 माइनस का 1 प्लस का 4 हो जाएगा, और 4 × 5 = 20 हो जाएगा। अब देखिए प्लस का 4 माइनस का 4 कटेगा तो 20/2 1/2 किया हो जाएगा आपका 10 यूनिट आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला इम्पोर्टेंट है, इस फार्मूला को ध्यान में रखिएगा कि 3 वर्टेक्स दे देगा ना ट्रायंगल का, और एरिया पूछ लेगा, उसका क्षेत्रफल पूछ लेगा, तो आपको इस फार्मूला को याद रखना पड़ेगा, अगर फार्मूला याद नहीं रहेगा तो इसका आप एरिया नहीं निकाल सकते हैं। बहुत बार एग्ज़ाम पूछता है, चाहे आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो या फिर SSC का एग्ज़ाम हो या कोई और भी एग्ज़ाम हो, स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, हर एक जगह पूछता है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, इसका SCF निकालना है, आपको MSA निकालना है, MSA SCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा फैक्टर निकालिए जो कि सभी में मौजूद हो, और ये आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है, भिन्न के रूप में दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है 2/3, 8/9, 10/27, 10/27, फिर से लिख लेते हैं हम 10/27 और 32/81 दिया हुआ है। इसका आपको SCF निकालना है, MSA निकालना है, जब भी भिन्न के रूप में देना, फ्रैक्शन के रूप में दे या लसा बोले या MSA बोले, यहाँ पे MSA बोला है तो ऊपर वाला जो अंश वाला टर्म है ना, इसका आप MSA निकालिए, और नीचे वाला टर्म यानी जो हर में लिखा गया है इसका आप LCM निकाल दीजिए, लसा निकाल दीजिए। ध्यान से सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं, जब भी ऐसे फ्रैक्शन में दे, भिन्न के रूप में दे, और SCF निकालने के लिए बोले, MSA निकालने के लिए बोले, तो ऊपर वाला टर्म का MSA निकालिए और नीचे वाला का लसा निकालिए, ठीक है। अगर यहीं पे आपको लसा निकालने के लिए दे देता, LCM निकालने के लिए दे देता, तो ऊपर वाले टर्म का आप LCM निकालते, लसा निकालते, और नीचे वाले टर्म का आप MSA निकालते यानी SCF निकालते। समझ गया, मैं आ गया ना कि क्या करना है, यहाँ पे SCF पूछा है तो आप ऊपर वाले टर्म का SCF निकालिए, नीचे वाला का LCM निकालिए, बस जो पूछेगा ऊपर वाले का करना है, जो पूछेगा ऊपर वाले का SCF निकालना है, जैसे यहाँ पे SCF पूछा है तो ऊपर वाले का SCF निकालिए, ऊपर वाले टर्म का SCF निकालिए और नीचे वाला टर्म का LCM निकालिए, ठीक है। क्या होगा इसका SCF, मतलब 2 8 10 और 32 का SCF क्या होगा, MSA, तो ऐसा टर्म जो सभी में मौजूद हो, 32 में मौजूद हो, 10 में भी हो, 8 में भी हो, 2 में भी हो, तो ऐसा टर्म एक ही है जो सभी में मौजूद है, कौन सा टर्म है, वो टर्म है आपका 2। देखिए 2 तो अवेलेबल, 2 × 1 इसमें है, ये है 8 में 2³ करने पे 8 मिलेगा तो इसमें भी है, 10 में भी 2 है, 5 × 2 कीजिएगा तो इसमें भी है, 32 में भी है, 2 के पावर 5 कीजिएगा तो इसमें भी आपको 2 मिलेगा,
तो उसका ऊपर का जो आपको दिया गया है इसका एचसीएफ आपको दो मिल चुका है। अब नीचे आइए, नीचे वाला का एलसीएम निकालना है, यानी 3, 9, 27 और 81 का एलसीएम निकालिए। 3, 9, 27, 81 का एलसीएम निकालिएगा, लसन निकालिएगा तो आपको 81 मिलेगा। तो 2/81 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आपको लसा और मसा पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल कीजिए। कोई संख्या दिया हुआ है इतना, x 4 4 6 1 करके दिया हुआ है, जो कि 11 से विभाजित है, 11 से डिविजिबल है। ठीक है, तो x का मान ज्ञात करना है, जो x है इसका वैल्यू ज्ञात करना है। कल आपको हम 3 से डिविजिबिलिटी का रूल बताए थे, आज आपको हम 11 से बताते हैं। 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है कैसे निकालते हैं? देखिए, जो अल्टरनेट टर्म है ना उसको जोड़ा जाता है। अल्टरनेट टर्म का मतलब एक को उठाइए, 4 से जोड़िए, एक को छोड़ छोड़ के मतलब 6 को छोड़ दीजिए, यहाँ से आगे बढ़िए, 4 को छोड़िए और x को जोड़ दीजिए, क्या मिलेगा? 1 4 5 + x, यानी 5 + x मिलेगा। अब आइए 6 इसको छोड़िए, 4 को जोड़िए, क्या मिलेगा? 10 मिलेगा, इसके आगे टर्म ही नहीं है, छोड़ दीजिए। अब क्या करना है, अल्टरनेट को तो जोड़ दिए 5 + x और यहाँ पे 6 + 4 = 10, और दोनों को घटा दीजिए। दोनों के घटाने के बाद या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। 11 का मल्टीपल मतलब 11 आना चाहिए, 22 आना चाहिए, 33 आना चाहिए, 44 आना चाहिए, मतलब 11 के पहाड़े में आना चाहिए, टोटल मिला के ए है। ठीक है, आप बताइए 0 लाने के लिए x के जगह पर हम ऐसा क्या पुट कर दें कि 0 मिल जाए हमको? सोचिए, अगर x के जगह पे हम 5 पुट कर देते हैं, 5 5 10 में से 10 निकल जाएगा तो 0 बचेगा, तो x का वैल्यू हम 5 रख देंगे तो क्या आपको 0 मिल रहा है ना? अगर 0 मिल गया इसका मतलब है कि 11 से डिविजिबल आपका हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कल आपको हम 3 से बताए थे कि 3 से डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं। मान लीजिए कोई भी एक ले लीजिए, कोई भी एक नंबर ले लीजिए, 4 7 8 9 10 कोई भी एक नंबर ले लीजिए, इतना नंबर है। ठीक है, 4,78,910। अब बताना है कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं, 3 से इसको हम काट सकते हैं कि नहीं, टोटल मिला के आपको यही बताना है। कैसे चेक कीजिएगा, इसको टोटल को जोड़ लीजिए, 0 + 1 = 1 आएगा, 1 और 9 = 10 आएगा, 10 और 8 = 18 आएगा, 18 और 7 = 25 आएगा, 25 और 4 = 29 आएगा। ये 29 क्या 3 से डिविजिबल है? 3 के पहाड़े में 29 आता है? नहीं आता है ना, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि 4,78,910 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया कि 3 का कैसे निकालते हैं, 11 का कैसे निकालते हैं। दो डिविजिबिलिटी आपको बता चुके हैं, 3 का और 11 का। आने वाले क्लासेस में आपको सभी का, 7 का 5 का 2 का सभी का बताएंगे। ठीक है, 3 और 11 हो चुके हैं, चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, एक साधारण ऑक्टागन है, मतलब अष्टकोण है, उसके आंतरिक कोणों का इंटरनल एंगल का सम बताना है, योग बताना है। सबसे पहले तो आपको शेप का मालूम होना चाहिए। देखिए, जो आपका ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल में आपका 3 भुजा होता है और 3 एंगल भी होता है, एक भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा, और 3 एंगल भी होते हैं, पहला एंगल, दूसरा एंगल और तीसरा एंगल, इसको बोलते हैं हम ट्रायंगल, यानी त्रिभुज। 4 वाले में आइए, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। चतुर्भुज में 4 साइड होते हैं, 1 2 3 और 4, और 4 एंगल भी होते हैं, पहला एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, चौथा एंगल। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल, यानी चतुर्भुज इसको हम बोलते हैं।
एक होता है आपका पेंटागन, जिसका पांच साइड होते हैं और पांच उसका एंगल भी होते हैं, ठीक है। कैसे, ये देख लीजिए, ए वाला पांच इसका साइड होते हैं, पांच साइड और पांच एंगल, एक दो तीन चार पांच, पांच एंगल भी, एक दो तीन चार पांच, इसको हम बोलते हैं पेंटागन। एक होता है हेक्सागन, जिसमें कि छह साइड भी होते हैं और छह एंगल भी होते हैं। कौन सा है, ये वाला हेक्सागन है, देख लीजिए, एक दो तीन चार पांच छह, छह इसका साइड है, छह एंगल भी होते हैं। एक है सातवां आपका, जिसमें सात भुजा भी होते हैं, सात कोण भी होते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, हेप्टागन, हेप्टागन। एक होता है आठवां आपका हेक्सा, सॉरी ऑक्टागन, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ऑक्टागन, जिसमें कि आठ साइड होंगे और आठ एंगल होंगे। नौवां को बोलते हैं हम नोनागन, या फिर नैनोगन भी इसको बोल सकते हैं आप। इसमें आपका नौ भुजा होगा और नौ एंगल होगा। दस वाले को हम बोलते हैं डेकागन, डेकागन, इसमें आपका दस साइड होगा, दस एंगल होगा, ठीक है, समझ में आ गया ना। ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नैनोगन और डेकागन, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन पे, ऑक्टागन के बारे में पूछा है, यानी आपका उसका आठ को साइड होगा, आठ को एंगल होगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब ऑक्टागन के बारे में पूछा है कि उसका आंतरिक कोणों का सम पूछा है। तो जब भी आपको आंतरिक कोणों का सम पूछे है ना, तो आपको एक फॉर्मूला याद करना है, कौन सा, सम ऑफ इंटरनल एंगल, सम ऑफ इंटरनल एंगल, मतलब आंतरिक कोणों का योग के लिए एक फॉर्मूला याद करना है, कौन सा, 2n-4 गुना 90 डिग्री, बस यही फॉर्मूला याद करना है। यहाँ पे एन क्या है, एन आपका नंबर ऑफ साइड को बताता है। अगर यहाँ पे ऑक्टागन है तो ऑक्टागन में कितने साइड होंगे, अभी पता है, ऑक्टागन में आठ साइड होंगे और आठ ही एंगल होंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड पुट कर देना है। अगर यहाँ पे हेप्टागन देता, इसका मतलब है कि एन बराबर सात पुट करते। अगर हेक्सागन देता तो एन बराबर छः पुट करते। अगर यहाँ पे ट्रायंगल दे देता तो एन बराबर तीन पुट करते, ठीक है। अगर तीन पुट करते तो आप बताइए, सबसे पहले आपको तीन पुट करके दिखाते हैं कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। अगर इसमें पुट करने के बाद 180 डिग्री आ जाता है, इसका मतलब फॉर्मूला सही है। पहले आप तीन पुट करके दिखाइए, तीन पुट करेंगे तो तीन दूना छः आएगा, छः में से दो निकलेगा तो दो बचेगा, दो को 90 से गुना करेंगे तो 180 मिल जाएगा, यानी फॉर्मूला सही है। तो आपको किसका निकालना है, अष्टकोण का निकालना है, ऑक्टागन का निकालना है। तो इस एन के जगह पे आप आठ पुट कर दीजिए, तो आठ दूना 16 आएगा, 16 में से चार निकाल दीजिए तो 12 बचेगा, 12 को 90 डिग्री से गुना कर दीजिए तो 12 नवा 108 होता है, और एक जीरो और, यानी 1080 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बस किसी का भी शेप दे, कोई भी शेप दे, उसमें आपको मालूम होना चाहिए कितने साइड होते हैं उसका और कितने उसके एंगल होते हैं। अगर एंगल मालूम भी नहीं होता है, जितने साइड होते हैं ना उतने ही एंगल होते हैं, ध्यान में रखिएगा। अगर हेक्सागन देता तो वहाँ पे आप एन के जगह पे 6 फुट कर देते, पेंटागन देता तो एन के जगह पे आप 5 फुट कर दे, अगर क्वाड्रिलेटरल देता यानी चतुर्भुज देता तो एन के जगह पे आप 4 पुट करते, ठीक है। कुछ इस तरह से आप पुट करके इस वैल्यू में आप आसानी से उसके जो इंटरनल एंगल का सम है आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे एक्सटर्नल एंगल का सम दे देता, यानी बाहरी कोण का योग पूछ लेता, तो बाहरी कोण का योग हमेशा 360 डिग्री होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और एक्सटर्नल एंगल यानी बाहरी कोण प्लस इंटरनल एंगल यानी आंतरिक कोण, ये दोनों का सम 180 डिग्री होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। दोनों को जोड़ने के बाद 180 डिग्री मिलेगा,
जबकि जो बाहरी एंगल है उसका सम जोड़ने पर 360 डिग्री आता है। अगर इंटरनल एंगल पूछ ले, आंतरिक कोण का सम पूछ ले, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, जबकि n क्या है, नंबर ऑफ साइड को बताता है। ठीक है, चलिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में फर्स्ट टाइम आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।